fellow citizens, there is genuine and justified anger at the costly crime of gang rape. लड़की ने ऐसे ही अपनी मीठी बातों से साजिश का एक जाल फर्जी रेप केस में लोगों को फंसाने का एक फतेहाबाद में झूठा बलात्कार का आरोप We also need to ask at this point if our rape laws need to be re-looked at to prevent this. हेलो, आवाज आ रही है? भारत, ना जाने यहाँ कितने युद्ध हुए हैं बस महिलाओं के सम्मान के लिए, चाहे वो बात रामायण की हो या महाभारत की हो। लेकिन भारत जैसे जैसे आधुनिक होता गया, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि होते गई, और बीते कुछ दशकों में इस संख्या में दिन दोगुनी और रात चौगुनी से वृद्धि हो रही है। अगर हम कुछ डाटा पे ध्यान दें तो 32,033 प्रतिवर्ष केसेस भारत में रेप के दर्ज हैं। लेकिन विश्व का चेहरा भी इस मामले में साफ नहीं है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो 98,213 केसेस प्रतिवर्ष, और अगर हम रूस की बात करें तो 3,500 केसेस प्रतिवर्ष, और अगर हम चाइना की बात करें तो 31,833 केसेस प्रतिवर्ष दर्ज होते हैं। और खैर, अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ इतने होते हैं कि वहाँ डाटा ही नहीं रखा जाता है। चाहे वो देश कोई भी हो, लेकिन न्याय सबको मिलना चाहिए। लेकिन हम एक सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ सकते हैं। तारीख 16 दिसंबर 2012, एक ऐसा दिन जिस दिन दिल्ली का चेहरा काला हुआ था। लेकिन पूरे 8 सालों बाद 2020 मार्च में जाके उसको न्याय मिल चुका है, और जितने भी दोषी थे उन्हें फांसी हो गई। लेकिन इसका परिणाम यह आया कि अगर हम 2013 से 2014 के बीच रजिस्टर्ड रेप केस की बात करें तो उसमें 53% मामले फर्जी थे। यह बात बहुत ही गंभीर है और सोचने पे मजबूर करती है। अगर हम इस मामले में अपने समाज की बात करें तो हमारा समाज बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे लड़की की बातों पे विश्वास करके सारा पक्ष उसके तरफ हो जाते हैं, और एक निर्दोष को भी सजा मिल जाती है। सभी लोग भूल जाते हैं कि वो बस एक आरोपी है, ना कि दोषी। ना जाने ऐसे कितने ही जिंदगियां बर्बाद हुई और कितने लोगों के इज्जत उछाल दिए गए। लगता क्या है, बस एक आरोप, और सारा समाज और सारी मीडिया, सारे फेमिनिस्ट, और कुछ केसेस में तो लड़के के खुद परिवार वाले ही लड़के का साथ छोड़ देते हैं, और बस एक छोटी सी सहानुभूति दिखाने के कारण एक भरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो आज हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो का क्लिप लेकर आए हैं, जो अभी कुछ देर बाद आपको वीडियो में देखने को मिलेगी, और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि हाँ, यह संभव है। तो आइए हम उसे देखते हैं। टिकट। हेलो, टिकट। अरे बस में चढ़ो, रिक्शा नहीं मिली यार। हाँ तो पहुंच गई। टिकट। हाँ टिकट। अच्छा ठीक, टिकट। अच्छा ठीक, टिकट टिकट। हाँ थोड़ा लेट होगा मुझे। टिकट। अच्छा बाय। टिकट टिकट। बेटा ये एक मिनट, नंबर लगा दो जरा, वो मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है ना। अच्छा ठीक है। Thank you.
मुझे तो सब पता है, चलो छोड़ दीजिए, फोन लिया नहीं किसी का। अच्छा जी, बी केयरफुल। सॉरी, सॉरी बैलेंस बिगड़ गया था। बैलेंस कुछ नहीं, सब पता है मुझे, सिर्फ मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। क्या मैडम, अरे जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे ऊपर। एक्सक्यूज मी प्लीज, क्या यू ऑलरेडी टच मी ट्वाइस, आई सॉ दैट। क्या बे तू, देखिए बस जा रही थी, मैं टर्न हुआ और मेरा बैलेंस बिगड़ गया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। झूठ मत बोल, समझा ना, अगर थोड़ी सी भी डिसेंसी होती ना तो लड़की देख के उठ जाता तू। एक तो ये लेडी सीट है नहीं, और वैसे मैं क्यों उठूं, मैंने तो कोई जबरदस्ती की नहीं है आपकी। झूठ मत बोल, कुछ भी मत बोल तू, एंड आस्क आंटी। आंटी आपने देखा ना क्या किया इसने? हाँ पूछ लो। हाँ हाँ मैंने देखा, तुमने इसे टच किया। हाँ, तेरे से लोगों ने ही मुंबई का भी माहौल खराब कर रखा है। एग्जैक्टली, अगले सप्ताह उतर जा, समझाएगा, इसकी तेरी भलाई है। चल उतर साले कमीने, उतर। मैं नहीं उतरूंगा, मैं क्यों उतरूं? उतर जल्दी समझा ना। हाँ ए पाटिल, क्या हुआ? बस सब हो रहे, मैंने टच किया नहीं। अरे पर मैंने कुछ किया ही नहीं। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने, बहुत बहादुर हो तुम। थैंक यू। हेलो हेलो रोहित। हाँ कहाँ है तू? मैं घर पे। क्या कांड किया तूने? क्या कांड किया? टीवी ऑन कर, न्यूज चैनल लगा। हाँ, एक मिनट। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश की एक बहुत ही बहादुर लड़की रिया माथुर, जिसने बिना डरे उस दरिंदे का डट कर सामना किया। रिया, मैं तुमसे बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है ना, उससे देश की सारी लड़कियां बहुत प्रेरित हुई हैं। थैंक यू। आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि ये सब शुरू कैसे हुआ? जी, मैं ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ी थी और वो लड़का उसी बस में। वो लड़का यानी रोहित सक्सेना? जी रोहित सक्सेना, वो उसी बस में था और उसके बगल में एक एजेंट आंटी बैठी हुई थी और बस पूरी क्राउडेड थी और कोई सीट नहीं मिल रही। मैं तुम्हें रोकना चाहूंगी। दर्शकों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो अभी भी वायरल हुआ है। देखा ना क्या किया इसने? हाँ, मैंने देखा, तुमने इसे टच किया। चलो तो गौर से देखिए इस दरिंदे को, जिसने रिया के साथ इतना घिनौना काम किया है। देखिए, रोहित सक्सेना। हाँ, यह आईला लड़कियों को छेड़ता है। हेलो, हाँ रिया मैडम। हाँ, आखिरी इंस्टॉलमेंट आ गया है। ठीक है। तेरा चैप्टर अब क्लोज है, चा मौज कर। और मेरी एडवाइस लेगा तो तू अब अपने घर वापस चले जा,
क्योंकि अब इस शहर में रहना मुश्किल होगा। ये एडवाइस फ्री में दे रहे हो या इसके भी पैसे लेते हो आप? तुम पे जो एलिगेशंस लगे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो। जस्ट गेट लॉस्ट। मैंने देखा तुमने इसे टच किया। जीरो टर्मिनेशन लेटर। सिर्फ मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। तुम भी डॉक्टर हो। तुम्हें भी ये लगता है कि ये सब मैंने किया? कंपनी की रेपुटेशन खराब। मैंने देखा तुमने इसे टच किया। फोन। टर्मिनेशन लेटर। सिर्फ मौका चाहिए तुम जैसे लोगों को। इसे टच किया। मैंने कुछ नहीं किया। स्टार बना दिया। तुम चाहते क्या? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। देखो गलती अगर एक बार हो जाए ना तो माफ, मगर अगर वही गलती दूसरी बार की जाए ना तो बेवकूफी होती है। प्लीज गलती को प्लीज। लेकिन मेरी क्या गलती थी? देखो देखो I'm really sorry. तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और किसी ने वीडियो भी ले लिया था। लेकिन I'm really sorry. प्लीज मुझे जाने दो। मैं सबको सच बता दूंगी। जाने की क्या जरूरत है? सच तुम यहीं भी बता सकती हो। ज्यादा बताने का समय नहीं है। You've got Riya Mathur, नाम तो सुना होगा, right? Of course, वो आप सबको सच बताने वाली है। Here we go. कोशिश करो, सच बाहर आएगा। You'll say it. Say it. Say it. Okay, okay, ठीक है। मेरा नाम रिया माथुर है। मुझे आप सबको आज सच बताना है कि रोहित सक्सेना ने उस बस में कुछ नहीं किया था। उस दिन बस में जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सब मेरी गलती थी। एक्चुअली उस दिन वीडियो अपलोड हो गया था और वायरल भी हो गया था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ी पब्लिक सिंपथी भी मिलेगी और पब्लिसिटी भी, इसलिए आई ट्राई टू कैश ऑन टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड और मैंने रफा दफा करने के लिए 2 लाख रुपए भी लिए थे। बट आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स नॉट हिज फॉल्ट, इट वाज ऑल माय फॉल्ट। दैट वाज इजी। थैंक यू। देखो अब तो मुझे जाने दो। मैंने सबको सच बोल दिया है। प्लीज जाने से पहले एक और काम बाकी है। क्या? Are you mad? You're gonna shoot me? सबको पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबको? किसको? गिने चुने तो दोस्त है मेरे। लोगों को शर्म आती है कि वो एक मोलेस्टर के दोस्त है। क्या लगता है मीडिया अपनी गलती मानेगा? अरे कोने में पड़ा रहेगा ये वीडियो। पता है अगर लड़की घर पे बैठी रहे ना तो कोई कुछ नहीं बोलता।
मगर अगर लड़का बैठे रहे तो नहीं चलता। लड़के को बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो तभी अच्छी नौकरी मिलेगी, और वही अगर ना रहे तो मैं कहीं नहीं जाता आजकल, चुपचाप घर पे बैठा रहता हूं, कोई है ही नहीं मिलने के लिए। एक दिन हिम्मत करके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा डिप्रेशन है, कहा घर वाले से मिलो, रिश्तेदारों से मिलो। कोई है? हाँ, कुछ कहा? देखो, तुमने जैसे ये देख लिया था। मुझे खुद को पता नहीं मैंने क्यों लाई मैंने। प्लीज प्लीज अब तो मुझे जाने दो प्लीज। देखो मैंने सबको सच बता दिया है, अब तो मुझे जाने दो प्लीज प्लीज। Thank you.